कैसा लगता है तुमको मेहंदी लगाना? पसंद है? हाँ, मेहंदी लगाना तो बहुत अच्छा लगता है। बट हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज आर। तो हमारी हाथी के पीछे का राज हमें खुद नहीं पता है, कुछ कुछ सोच सोच के हंसी आ रही खास करके। हाँ, अभी रंजना को पता है क्यों हंसी आ रहा है, क्योंकि क्यों रंजना बताओ, अभी तुमको कुछ बता रहे थे। आप बता रहे थे कि उनको हम बाबू बाबू कहते थे, तो हमको बहुत हंसी आता था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को बाबू बाबू कहते थे। लेकिन अब आदत हो गया है बाबू बोलने का, और यहाँ रोटी बन रहा है। तो अभी हम उधर मम्मी के साथ सारा सामान वहाँ दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी रेसिपी बना रही है, तो मम्मी बोले कि हम बनाते हैं, और बाकी मसाला वसाला जो भी चीज़ें हैं वो हम ले जा कर दे रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं। तो बस आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये गाना जब सुनते हैं ना तो हमको एक तेल मिलता है, वो जिसको ना लाल वाला तेल तो नहीं बोलते हैं लोग उसको, कितना तो नूरानी तेल। अभी रंजना भी कुछ कुछ बता रहे थे, और आज हम सोच रहे थे ना, मतलब कल तो रंजना सो गई थी, आज देखिए इसका कल तबीयत खराब था और थोड़ा सा सिर में दर्द हो गया था, और अब आज मेरा हो गया। तो अब हम सोच रहे थे कि भाई दोनों बीमार पड़ गए, लेकिन कल जब हम ठीक थे तो इसके पास गए तो ये सो रही थी, आज हम सोए और हम दिन में ही सो लिए, क्योंकि रात में आज रंजना के साथ बातचीत करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी बातें। और क्योंकि अभी रंजना देखते हैं अभी तो जा रही है, लेकिन आई होप कि जल्दी आ जाए, अच्छा लगेगा, इसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पता है ना अच्छा नहीं लगता है। अब बाकी देखते हैं जैसे जो होगा, वो सब तो आप सभी को पता लग ही जाएगा। और यहाँ पे मछली बन रहा है आज हमारे घर, तो मसाला वगैरह यहाँ पे सारा कुछ भी पिसाया हुआ है, मेरी मम्मी को ही लेके जाना है दिन के लिए। सब्जी बनने वाला था लेकिन सब्जी का प्लान कैंसिल हो गया, तो अब फिश बन रहा है। तो बने रहिए आप लोग। तो वैसे पता है क्या, कुछ लोग ना ऐसे बोल रहे हैं हमको, रहना पता है क्या, तुमको रोक रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग को लग रहा है कि हमको काम करना पड़ जाएगा इसलिए रोक रहे हैं। क्या ये सच है? काम के लिए रुक रहे हैं कि मेरा मन नहीं लगेगा नहीं, और मेरा मन, हम दोनों साथ में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम यहाँ काम नहीं भी करते हैं ना तो भी इसके पास ही खड़ा रहते हैं, क्योंकि हमको अकेले मतलब कि रहने में अच्छा नहीं लगता। हम सोचते नहीं कि भले मतलब कि कुछ हो या ना हो, लेकिन हम चाहते कोई ना कोई रहे साथ में। तो अब हम ये सोच के बोल रहे ना, क्योंकि ये अभी यहाँ है तो हम यहाँ पे खड़े हैं, और ये नहीं रहेगी तो हम अकेले, हमको खुद मन नहीं लगता है। और ख़ास करके हम लोग इस साइड रहते हैं, मम्मी तो उधर उस साइड रहेंगे, तो इसलिए हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और मिस्टर राज अभी देखते हैं आ जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी, लेकिन हमको थोड़ा सा मन नहीं लगेगा। इसलिए हम कितना बार रंजना बोले, रंजना तुम इस टाइम यहाँ रहोगी, उस टाइम वहाँ रहोगी, मेरा मन नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे कितना बार बोल चुके हैं। सोते टाइम भी यही बोल रहे थे, आज तो पता नहीं ऐसा ऐसा सपना भी देखने लग जा रहे थे। तो कल रात में मूवी देखे थे और आज भी मूवी देखेंगे, क्योंकि आज भर ही देख सकते हैं मूवी, कल से एकदम हमारा रूटीन चेंज हो जाएगा। वैसे ठंड है ना, तो थोड़ा ठंड में हम आजकल लेट उठ रहे हैं, झूठ क्यों बोले, पिछली बार भी पहले भी ठंड रहता था लेकिन इतना लेट नहीं उठते थे, और हमारे लेट उठने को लेके लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बन जाता है ना, तो बहुत सब लोग बहुत लेट लेट से हम लोग ब्रेकफास्ट आजकल कर रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और लंच हम लोग खुद 4 बज जा रहा है करने में, 3:30 हो जा रहा है, जबकि लंच हम लोग 1 से 1:30 बजे तक गर्मी के दिन में कर लेते हैं, तो इसलिए। और अभी हमारा ऐसे आवाज़ आ रहा है क्योंकि हम अपने मुंह में इलायची दबाए हुए हैं, इलायची खा रहे हैं, जो लोग पान गुटखा खाते हैं उसे इलायची खा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, मम्मी उधर है पीछे फ्राई कर रही है, बाकी अभी यहाँ रोटी बना रही है, चावल बन गया है बात, और सब्जी है, मैगी है, बहुत सारा कुछ आज खाना भी है। और यहाँ पे हम फुला दिए हैं, कहाँ है कटोरा, हाँ यहाँ पे है चावल, ऐसा ये चने का दाल और मूंग, और इतना दिन से मंगा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज बोले कि नहीं खाना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन भी कर रहा था खाने का, इसलिए।
और अमित भाई का भी फ़ोन आया था क्योंकि उनके यहाँ भी है फंक्शन बाबू का, तो उसमें देखते हैं क्या करना है। वैसे अभी अमित भाई बोले हैं तो हम बोले हैं कि ठीक है जाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या प्लान बनता है, जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। जैसा होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी चलते हैं थोड़ा बाहर। सो हे गाइस, ये देख सकते हैं मेहंदी, और ये मेहंदी का जुगाड़ अभी जस्ट हुआ। तो अभी आप सभी को पता है कि रंजना जाने वाली है मायके, तो उसको हम अच्छे से मेहंदी लगा देंगे ताकि दुल्हन एकदम दुल्हन की तरह लगे। और वैसे तो अभी नई दुल्हन है, लेकिन और अच्छी लगेगी जब मेहंदी हाथ में लगेगा ना, तो हाथों की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज मेहंदी मैं अपने देवरानी जी को लगाने वाली हूँ, तो आप लोग बताना कि कैसा लगेगा हाथों में और ये सोच कैसा है। क्योंकि बाबू भी अभी बोल रहे थे और मम्मी बोली कि मेहंदी लग जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता, इसीलिए अभी मेहंदी लगाने चलते हैं। लेकिन अभी उसे पहले खाना पीना बन रहा है, तो थोड़ी देर में लगाएंगे, सब कोई खा पी लेंगे, उसके बाद आराम से बैठ के लगाएंगे और मूवी देखेंगे। आज ये बहुत मज़ा आने वाला है, और कुछ लोगों से ना बातें भी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बोल रहे हैं, मतलब हम तो, मेरे को आदत है कि हर जगह मुस्कुराना, हर जगह हंसना, चाहे वो कैमरा ऑन हो चाहे ना हो। जब मेरा मन ठीक नहीं रहता है, जब मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, तभी जाके ऐसा हमारा फेस पे मतलब हंसी गायब हो जाता है। वरना मैं ऐसी, मैं जब मेरा शादी हुआ था ना, तो मैं हमेशा हंसती रहती थी, मैं बिना काम का हंसती रहती थी। तो मम्मी बोलती थी क्या हर टाइम हंसती रहती है, अच्छा लगता है। और जब उदास हो जाती थी ना, तो सबको पता लग जाता था कि तबीयत वगैरह या फिर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ हुआ है, इसकी वजह से उदास है। क्योंकि हम, अगर हम उदास होते हैं तो हमारा पूरा फेस से ही पता लग जाता है कि हम उदास हैं। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप सबके ब्लॉग में हंसते हो, और आपके ब्लॉग में कोई भी नहीं हंसता, कोई भी नहीं मुस्कुराता, बाबू को लेके बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि ऐसी बात है, क्योंकि वो जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, शायद वो कुछ काम कर रहे होंगे इसलिए वो स्माइल नहीं किए। नहीं तो जब हम ब्लॉग बनाते हैं तो हम सबका पहले मूड देख लेते हैं, उसके बाद हम सबके साथ वीडियो बनाते हैं। क्योंकि मुझे पता होता है कि हर टाइम हर कोई अवेलेबल नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए, इसकी वजह से। बाकी रंजना भी हम, वो कुछ काम वाम करती रहती है तभी ऐसा रहता है, नहीं तो उसको भी आज ऐसे बोल बोल के ना हंसा दिए थे। बस यही बात है, और अब मेहंदी लगाएंगे, और पहले पूछते हैं रंजना को कैसा लगता है मेहंदी लगवाना। रंजना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि तुम लोग हंसते नहीं हो हमारे ब्लॉग में, ऐसा तो है नहीं, सबका क्लियर कर दिए हैं। आज हम खुद अपने ब्लॉग में, क्या हम इसके ब्लॉग में भी इसको स्माइल करवा रहे थे कि अरे देखो खुशी देखो मायके जाने का, तो देखे देखे ऐसे करो ना तो हंसी अपने आप आ जाता है। तो अभी रंजना से पूछते हैं, रंजना कैसा लगता है तुमको मेहंदी लगाना, पसंद है? हाँ, मेहंदी लगाना तो बहुत अच्छा लगता है, बट हमको मेहंदी लगाने आता नहीं है। वैसे अपने हाल लग रहा है कि तुम बहुत जल्दी मेहंदी लगाना भी सीख जाओगी, क्योंकि हमको आता है मेहंदी लगाना। अच्छा, आपको आता है? मतलब उतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं। हमको इतना पता है कि तुम भी लगा ही लेती होगी। अब प्रॉपर नहीं हो पाता है, लेकिन आता तो होगा। प्रॉपर नहीं हो पाता अपने हाथ में, लगा लोगी तभी तो हमको भी कभी लगाने की जरूरत पड़ेगी। मेहंदी हम बिल्कुल भी नहीं लगा पाते हैं। तो हम शादी के पहले तुम अपने हाथ पे मेहंदी लगवाती थी? लगवाते थे हाँ। तुमको किस टाइप का मेहंदी लगाना पसंद है, पूरा दुल्हन की तरह या फिर एक एरोबिक होता है जो पूरा ऐसे सीधा होता है? सीधा वाला सिंपल ज़्यादा, मतलब कि भरा हुआ हमको उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शादी वगैरह में तो उसमें भरा हुआ ही मेहंदी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली में पतला पतला। तो अब हम रंजना से पूछेंगे, क्या तुम इस पल को थोड़ा वहाँ से वीडियो बना, ताकि हम दोनों हैं, क्या इस पल को मिस करोगे जो अभी हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने शादी के टाइम ना जब गए थे तो हम बहुत मिस करते थे, ये जो घर दिखता था ना हमको बहुत वो लगता था। इनसे आप पूछेंगे, आप बताए बहुत, क्या गाजा नहीं, गाजा तीन ही चीज दिखाए। अच्छा आते हैं अभी, तो पहले जी मम्मी जी आ रहे हैं।
पहले नमक देख के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अब मिलते क्या है, अब रहने दें इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, खूब सारा शेयर कीजिएगा। अभी चलते हैं बाबू के पास, बाबू का पहले ब्लॉग शूट करवा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। तो फाइनली आप लोग देख लिए, अभी बहुत सारी बातें करना था लेकिन कुछ कुछ काम हो जा रहा है, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल।